तो आज मेरे पास एक वॉल फैन का स्टेट है जो कि आपके सामने है। आपके पास कोई भी टेबल पंखा या फिर वॉल फैन हो सकता है जिसमें यहाँ पे 16 स्लॉट है, मतलब 16 खांचे हैं और इसमें टोटल जो कॉइल आती है वो टोटल 8 कॉइल आती है, रनिंग में 4 और स्टार्टिंग में 4। और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि इसके स्लॉट की लंबाई लगभग 20 mm है। और यदि आपके पास भी कोई भी ऐसा स्टेट आता है और आप उसकी रिमाइंडिंग 37 नंबर कॉपर वायर से करना चाहते हैं, क्योंकि इस पंखे की जो रिमाइंडिंग है वो कंपनी की ओर से 37 नंबर कॉपर वायर से की हुई आती है, तो आज मैं आपको कंपनी रिमाइंडिंग डेटा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आपको रनिंग कॉइल में 37 नंबर कॉपर वायर से 700 टर्न लेने हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 37 नंबर कॉपर वायर से 700 टर्न लिए हैं। और इसके स्टेट की साइज यहाँ पे देख सकते हैं और चौड़ाई भी यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 45 mm है। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि जब भी आप इस स्टेट के स्टार्टिंग कॉइल की रिवाइंडिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 37 नंबर कॉपर वायर से 650 टर्न लेने हैं, जो कि इसका कंपनी रिवाइंडिंग डेटा है। और इसमें आप कैपेसिटर 2 का या फिर 2.5 का कोई भी यूज कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।